सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक नए वीडियो में, जो कि क्लॉथिंग स्टोर सिमुलेटर के एक नए गेम प्ले वीडियो से रिलेटेड होने वाला है। यहां पे आ चुका है चूज करने का ऑप्शन अपने लैंग्वेज को। कपड़ों की दुकान में आपका स्वागत है। तो यहां पे चारों ओर देखने के लिए दाएँ अंगूठे का उपयोग करें, देखने के लिए बाएँ अंगूठे का उपयोग करें, घूमने के लिए, बोनस अनुभव प्राप्त करने के लिए उद्देश्य। यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स को हमें उठाना है। यहाँ पे हमने उठा लिया है और उसके बाद इसको फेंकें, खोलें। दो ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें है एक शर्ट, शर्ट को हमें सामने की तरफ लगाना है, तो इसको हम लगाएंगे। जगह दें, तो जगह दें हमने कर दिया है, बॉक्स खाली हो चुका है और इसको फेंक देना है बाहर की तरफ। हाँ, फेंकें, जगह पे आना पड़ेगा। हाँ, अभी चला गया अंदर। यहाँ पे एक और बॉक्स जूते की है, सैंडल कह सकते हैं, जूती, तो उसकी है। यहाँ पे इसको हम नहीं लगा सकते, केवल सेफ्ट सोए में इसको लगा सकते हैं, यानी कि इसका जो अलग सेल्फ आएगा, समझे। तो यहाँ पे अलग सेल्फ हमें इसका लेना पड़ेगा शूज वगैरह के लिए। ये है कपड़े का, तो कपड़े वाले में हम शूज नहीं लगा सकते, तो इसको फेंकते हैं एक कोने और बढ़ते हैं गेम में आगे की तरफ। यहाँ पे कोई मार्क आ रहा है, मार्क पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मूल्य निर्धारित करें। अच्छा, तो मूल्य है, बाज़ार मूल्य है 28.90, लागत है 14। तो 28.90 है, तो हम इसको 28.90 के जगह सिर्फ 28 रखेंगे, ठीक है। 28.70 हो रहा है, 28.64, ये 28, हाँ, अरे ये तो लाभ है, नीचे प्राइस है हमारे, तो प्राइस हमें नीचे वाला सिलेक्ट करना। हम सोचे जो लाभ वाला है वो वाला 28 है, तो वो वाला नहीं है। अब हमें 28 नीचे वाले करना है। लाभ हमें लगभग 14 रुपया होगा नीचे वाले के हिसाब से अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो। तो यहाँ पे 13.60 रुपया हमारा लाभ होगा और हमने सिलेक्ट कर दिया है 28 रुपये, $28 भी कह सकते हैं उसको। यहाँ पे हमने अपने शॉप को खोल दिया है, क्लॉथिंग स्टोर सिमुलेटर में शॉप है अपना, उसको हमने खोल दिया है। यहाँ पे कुछ बॉक्स फ्री में मिल रहे हैं, तो बॉक्स को हमने ले लिया है। हमारे पहले कस्टमर इस गेम के आने वाले हैं और इन्होंने 3 शर्ट लिया है, तो 3 शर्ट हो रहा है $84 का, $1 इन्हें वापस करना है। एक मैम आई है कार्ड लेके, $84 का इनका हो रहा है, इनका $84 पेमेंट लेते हैं। एक और मैम आ रही हैं, उनका भी पेमेंट लेना होगा, लेकिन कंप्यूटर में कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन है, वाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक शर्ट, वाइट शर्ट, यहाँ पे बहुत सारे सामान आने वाले हैं। और जैसे जैसे हम गेम में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो गेम है वो आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको सामने की तरफ देखने को मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ेगी। लगभग हम कह सकते हैं 20, 30 या 40 तक यहाँ पे प्रोडक्ट हमें देखने को मिल पा रहे हैं। और इसी में हम अगर फर्नीचर की बात करें, तो फर्नीचर में भी हमें लगभग ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल पा रहे हैं कि यहाँ पे सेल्फ वगैरह है 12x4 का, 12x8 का। एक सेल्फ है फोल्ड वाला, ये है 12x4, 12x4, दोनों एक ही है, लेकिन बस प्राइस का अंतर है। यहाँ पे नीचे कुछ शूज वगैरह के और अलग अलग चीज़ों के जो यहाँ पे दिए हुए हैं सेल्फ, और यहाँ पे उत्पाद लाइसेंस दिया हुआ है कि हम अगर किसी चीज़ का उत्पाद अपने शोरूम में लगाना चाहते हैं, उसका हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा कि ये चीज़ हम अपने शॉप में
लगा सकते हैं। अगर चेकिंग वगैरह हो गया तो हम उसमें फंस जाएंगे, इसलिए हर चीज़ का लाइसेंस लेना ज़रूरी है। यहाँ पे वृद्धि करना हो अपने शॉप का तो उसके लिए है, और यहाँ पे सेवाएं हैं कचरा संग्रह और कैशियर के लिए, तो यहाँ पे हम इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पे एक मैडम आ चुकी हैं, इनका $28 हो रहा है, पेमेंट ले चुके हैं। इनका मैडम का हो चुका है, अप्सरा है $56 लेके अपना क्लियर करते हैं। $84 में $1 वापस करना है, इनका भी हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे एक यहाँ पे क्या है वो रखा है वहाँ और दिखा रहा है यहाँ टाइमर, तो ये तो गड़बड़ी है, ये हम लगा नहीं सकते यहाँ पे। चक्कर ये भी है, यहाँ पे लगा नहीं सकते, इसके लिए अलग सेल्फ हमें चाहिए होगा। तो चक्कर ये भी है, क्या किया जाए। तो यहाँ पे हमारे जो सामान है वो हम मंगा सकते हैं और ज़्यादा सामान, तो हम सोच रहे हैं कि और कुछ सामान मंगा लिया जाए, एक एक पार्ट हर चीज़ का, तो हमारे सेल्फ में लगाने का जगह है बचा हुआ, तो जब सामान आ जाएगा तो सारी चीज़ों को हम लगाएंगे अपने सेल्फ में। तो यहाँ पे हर चीज़ का एक एक दो दो प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, और उसके बाद हम बाई कर लेंगे। बाई करने के बाद जब ये आएगा तो अपने सेल्फ में हम इसको लगा देंगे, और लगा के अपना सेल किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है $536, लेकिन इसी में अंदर में ही $479 में ही सब आ गया, सारी प्रोडक्ट। अभी तक जितनी प्रोडक्ट हमारी ओपन है सारी प्रोडक्ट हमारी आ चुकी है। यहाँ पे थोड़ा म्यूजिक इसका परेशान कर रहा था तो उसको हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पे अपने ग्राफिक क्वालिटी को, रिजोल्यूशन को बढ़ा दिया है अल्ट्रा पे, और यहाँ पे आ चुका है रिव्यू देने का ऑप्शन, तो उसको हम चेंज कर देते हैं, रिव्यू हम नहीं देंगे। अभी गेम खेलना शुरू किए नहीं कि रिव्यू मांगने लगे सब, क्या कहा जाए। एक बॉक्स आया है बाहर, वो ले लेते हैं, और हमारा जो बॉक्स हम बाई किए थे वो भी सब आ चुका है, सबको भी लगाना पड़ेगा, हम अपने सेल्फ में लगाएंगे। तो एक में ही ये फुल हो गया, चार आइटम तीन आइटम बच रहे हैं तो उनको दूसरे में लगा दिया हमने। और यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट मंगाया था हमने वो भी आ चुका है, तो इसको भी हम लगा देते हैं। ये फीमेल का है, तो यहाँ पे जो बॉक्स हमने लिया है उसको हम लगा देते हैं। ये फीमेल का है, टी शर्ट कह सकते हैं इसको। और दूसरा बॉक्स उठाते हैं, उसको लेके चलते हैं। ये मेल का है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक, अच्छा ये नहीं बच रहा है, उस पर लोगो बना हुआ, तो हमें लगा कि कहीं एक आध ठो बचा तो नहीं रह गया। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे सेल भर चुके हैं, और किसी में भी एक्स्ट्रा जगह नहीं है कि हम उसमें डाल सकें। ऐसा भी नहीं है कि अगर एक प्रोडक्ट आधा भरा हुआ है तो आधा प्रोडक्ट हम दूसरा चीज़ भर दें, ऐसा भी चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे सारे चीज़ों का प्राइस हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस चल रहा है 2460, तो इसका अगर प्राइस हम 24 रख देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। 2460 से ऊपर अगर हम ले जाएंगे, मींस कह सकते हैं कि अगर मार्केट प्राइस से भी हम ऊपर ले जाएंगे तो फिर हमारे कस्टमर लोगों को समस्या होती है। अगर हम $24 रखें तो मार्केट प्राइस से तो हम कम ही दे रहे हैं 60 सेंट, तो उस हिसाब से हमारे जो कस्टमर हैं वो खुश रहते हैं। तो अभी हम सिलेक्ट कर देते हैं $24 पे, बाकी भी कपड़ों को हम अपना अपना प्राइस दे देते हैं। यहाँ पे इसका मार्केट प्राइस है 8.95, तो $8.95 हमने यहाँ पे $8 पे सेट कर दिया। और इसका प्राइस चल रहा है उसे वही सेम, वही पैंट था इसीलिए इसका सेम हो चुका है। और ये ऊपर एक टी शर्ट बच रही है, यहाँ पे हमारे कस्टमर आ चुके हैं, कस्टमर को भी हमें लगाना पड़ेगा। ये गिफ्ट बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स को हम ले लेते हैं, वरना ये निकल जाता है, ये रहता नहीं है। तो यहाँ पे $8 का इनका पेमेंट हो रहा है, $2 इनको वापस करना है, तो हमने $2 वापस कर दिया। यहाँ पे $16 हो रहा है, ₹1 नहीं वापस करना है। यहाँ पे 10.72 हो रहा है, इनको 28 सेंट वापस करना है, तो इनको भी हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पे $24 हो रहा है, $11 वापस करना है। तो यहाँ पे एक मैडम आ चुकी हैं,
और इनका हो रहा है $82.72। तो इनका पेमेंट लेते हैं कार्ड से। कार्ड पेमेंट करके मैडम जा चुकी हैं और यहाँ पे अभी हमारे सारे के सारे सेल भरे हुए हैं, इनको भरने की ज़रूरत नहीं है। एक कस्टमर आ चुके हैं, उनको क्लियर करते हैं। इनका हो रहा है $16 हम ले लेते हैं। कार्ड पेमेंट है तो यहाँ पे इन्होंने कार्ड पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे एक बॉक्स आया हुआ है, बॉक्स को हम ले लेते हैं। यहाँ पे फीमेल का सूज शायद रखा हुआ है, तो ये तो हम बॉक्स में लगा नहीं सकते अपने सेल्फ में, तो इसको हम फेंक देते हैं एक कोने। और कुछ तो रहा नहीं करने को। यहाँ पे कस्टमर आ रही हैं, वो कुछ बाई कर लें तो फिर आगे काम बढ़े। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हमारे शॉप के आसपास का जो लोकेशन है कुछ ऐसा दिखता है, और हमारा लिमिटेड मींस जो हमारा एरिया है वो थोड़ा लिमिटेड है, उसी के बीच में रह के ही हमें अपना शॉप चलाना है और उसके आर पार हम नहीं जा सकते। और बहुत छोटा एरिया दिया गया है। एक आख शॉप और दिया होता अगर हमारे कंपटीशन में या कुछ अलग टाइप का कुछ रहता तो मज़ा आता। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बाहर से कुछ हमारा शॉप ऐसा दिखता है। यहाँ पे एक कस्टमर आई है, 37.44 सेंट इनका हो रहा है, तो इनका पेमेंट क्लियर करते हैं। एक कस्टमर और आई है, इनका हो रहा है $29.28, इनको वापस करना है, तो ये हो गया 29.28 सेंट हो गया क्लियर। और अब उसके बाद एक कस्टमर और आया है, इनका $8 हो रहा है, $2 वापस करना है। एक कस्टमर और आया है, $16 हो रहा है और इनका कार्ड पेमेंट है, $16 का कार्ड पेमेंट हम लेके इनको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे सारे कस्टमर क्लियर हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा गेम, छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले पार्ट में इसके, और वहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक नया सेल्फ लेंगे, साथ ही नए नए प्रोडक्ट को ओपन करेंगे और साथ ही अपने सेल को बढ़ाएंगे, थोड़ा और कमाएंगे तो और भी चीज़ों को हम ले सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो को देखते रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो, ये गेम कैसा लगा और इसका आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। वीडियो यही था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचानें।